सिंगर कनिका कपूर की पांचवी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कनिका कपूर की पांचवी कोरोना जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती है कनिका कपूर। बड़ी खबर इस वक्त की, पांचवी ये रिपोर्ट थी जो नेगेटिव आई, राहत की खबर। ये खुद कनिका कपूर के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी जो लगातार कनिका पर नजर बनाए हुए थे। और कनिका को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केजीएमयू में भर्ती किया गया था। अरुण चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। अरुण, ये बताइए कि ये पांचवी रिपोर्ट आई, लगातार जो चार रिपोर्टें आई उसमें तो कोरोना पॉजिटिव थी कनिका कपूर, लेकिन पांचवी रिपोर्ट में राहत की खबर। जी देखिए, आपको बता दूं कि कनिका कपूर की ये पांचवी रिपोर्ट है। इस पांचवी रिपोर्ट में कनिका कपूर की निगेटिव आई है रिपोर्ट, लेकिन वही डॉक्टरों का कहना है कि पीजीआई के कि अभी इनको पीजीआई में ही रखा जाएगा। एक रिपोर्ट और इनकी जांच कराई जाएगी, उस जांच में जब रिपोर्ट निगेटिव आएगी तब इनको पीजीआई अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से कनिका कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लगातार चार रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई थी और पूरे लखनऊ में इनकी हंगामा मचा दिया था इन्होंने कोरोना रिपोर्ट कोरोना फैलाने की बात को लेकर, कई लोगों के इनके जो संपर्क में थे उनको। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, देखा जाए तो पीजीआई की जो रिपोर्ट है वो पांचवी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस वजह से पीजीआई प्रशासन ने राहत की सांस ली कि जिस हिसाब से पहली पेशेंट थी जो पॉजिटिव, उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी पीजीआई में कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं था। लेकिन इनकी रिपोर्ट आने के बाद अब पीजीआई प्रशासन के छठी बार इनकी जांच कराएगा, छठी रिपोर्ट में अगर इनकी निगेटिव आती है तो इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। जी, और अरुण ये भी बताइए कि इनके साथ बहुत से लोग जो संपर्क में आए थे, बहुतों का क्वारंटाइन भी चल रहा है, बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनके पड़ोस में रहते थे, उनको भी क्वारंटाइन किया गया। कितने लोग ऐसे थे जो इनके संपर्क में आने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए थे? जी देखिए, हम आप बता दो, इनके संपर्क में आने के बाद मैंने जहाँ पे रहती थी वहाँ पर पूरी तरह से सील कर दिया गया था। इसके बाद इनके पड़ोस के रहने वाले दो व्यक्ति जो थे पड़ोसी, उनको पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी निकली थी, उनको जांच कराया गया था। इनके पूरे बिल्डिंग को जो लगभग 2,500 लोगों की जो है रिपोर्ट जाँच कराई गई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों की जो रिपोर्ट थी वो निगेटिव थी। लेकिन फिर भी उनको घर में ही एकांत में रहने की डॉक्टरों ने सलाह दिया था। लगातार जो सीमो विभाग का जो लखनऊ का जो सीमो विभाग के डॉक्टर जो पैनल है उन पर नजर रखती थी, फोन से डेली अपडेट लिए जा रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो उनके और भी साथी थे उनकी भी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। फिलहाल जो अच्छी खबर कनिका कपूर के लिए कि रिपोर्ट निगेटिव आई है, अब इनको डिस्चार्ज किया जाएगा, छठी रिपोर्ट आने। बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।